तो दोस्तों मैं हूं आपका उज्जवल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सपल्स 200 टीबीएस 60 में बात करता हूं। वैसे अगर मैं तुम लोगों को रियलिटी में बोलूं, वीडियो आप लोगों को मिल रही है लेकिन मैंने बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि यार अब आजकल क्या है थोड़ा टायर्डनेस भी ज़्यादा हो गई है तो मुझे के ऊपर है। तो चलो अब बात कर लेते हैं मेन वीडियो के ऊपर, बाइक के बारे में। भला तुम लोग बोलो भाई ये तो अपनी बातें बताने लग गया। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर देखा जाए तो देखो इसके अंदर आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो आपको हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। वहीं पे इस बाइक के अंदर आपको जो टेल लाइट मिलेगी वो आपको फुली एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मैं भी खुद पर्सनली ये चाह रहा था कि इस बाइक के अंदर हमें जो टेल लाइट सेशन है या जो लाइट सेशन है वो आपको एलईडी मिल जाए, और फ्रंट में भी जो इसके अंदर आपको हेडलाइट मिलेगी वो भी आपको फुली एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि देखो यार ये जो बाइक्स होती है हम लोग लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं, लॉन्ग राइड हो गया, ऑफ रोड हो गया, तो उसके लिए हम जो है इन बाइक्स को परचेस करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमें लाइट्स का ना, क्योंकि तुम लोगों को पता है अभी क्या आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स लगवाओ, आफ्टर मार्केट लाइट लगवाओ तो उसमें क्या है दिक्कत आ जाती है या चलान का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपको पहले ही LED मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये सब लगवाने की जरूरत मिलेगी नहीं और ब्राइटनेस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली जाएगी। बात कर ली जाए तो दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मिलेगा कि 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो 220 mm का आपको इसके अंदर रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो रियल डिस्क ब्रेक जितना अच्छा होता है बाइक का, उतना ही अच्छी जो बाइक होती है वो ऑफ रोडिंग में काम आती है। और जैसे आप लोगों को पता है कि ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए ही हिसाब से ये जो बाइक है तो वहाँ पर तो नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रंट डिस्क ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वहीं पर अगर देखा जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेंगे, वैसे मैं देख रहा हूँ कि पैटल डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे यहाँ, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि पैटल डिस्क ब्रेक में हम लोगों को एक चीज़ का बेनिफिट हो जाता है कि जो ब्रेकिंग ब्रेक होते हैं वो नॉर्मल डिस्क के हिसाब से जल्दी ठंडे हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होते तो ठंडे जल्दी रहते हैं। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक का जो आपको कर्व वेट मिलेगा वो आपको अराउंड 155 kg का कर्व वेट मिल जाएगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये डायरेक्ट जो है आपकी इसकी जो हीरो एक्सपल्स 200 आती है उसमें क्या है, आपने देखा होगा अलॉय व्हील्स, वो लगे हैं स्पोक व्हील्स, और वहाँ पे आप लोगों को पता है जो अलॉय व्हील्स है वो क्या है, आपको अलॉय व्हील हल्के मिलते हैं स्पोक व्हील के हिसाब से। तो इसका जो वेट है वो आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम आपको इस बाइक में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक इस बाइक में मिलेगा, जो कि नो डाउट बहुत प्यारा पेट्रोल टैंक है। इसके अंदर आपको एक बेनिफिट और क्या मिलेगा, वो ये मिल जाएगा, क्योंकि देखो इस बाइक का आपको माइलेज अच्छा मिल रहा है, और पेट्रोल टैंक थोड़ी बड़ी भी है, तो उसमें बेनिफिट के जब आप लॉन्ग राइड पे लेके जा रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला इस बाइक के रिगार्डिंग। बात करी जाए तो दोस्तों इस बाइक का ब्रेक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे यार तुम लोगों को पता है ऑफ रोडिंग बाइक्स हो गई या फिर हम लॉन्ग राइड के लिए इस बाइक को परचेज करें तो वहाँ पर हमें डायमेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वहीं पर जो इस बाइक के अंदर आपको डायमेंशन मिले, हाँ इसके अंदर आपको जो खाक हो गया ब्रिज जो मिलेगी वो आपको 850 mm की ब्रिज मिल जाएगी, और वहीं पे इस बाइक की जो सीट हाइट मिलेगी वो आपको 823 mm की सीट हाइट मिलेगी। इसमें बेनिफिट क्या हो जाएगा कि यार देखो सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं जहाँ पे पार्क में वीडियो बना रहा हूँ पता नहीं क्या यार आसपास की आवाज़ आ रही हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये कम ही हो जाए। हाँ सीट हाइट जो आपको क्या ड्रामा है यार, सीट हाइट जो है इसके अंदर आपको 823 mm की सीट हाइट इस बाइक में मिल जाएगी, और वहीं पे बेनिफिट क्या है, अगर आप इस बाइक को लेके, मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ, वहीं पे अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर आपको एक बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा कि जो इसका ब्रिज है, देखो ब्रिज काफ़ी अच्छी, सीट हाइट की बात करी जाए तो दोस्तों वो आपको 883 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। अगर आप इस बाइक को लेके पिलियन के साथ भी राइड करते हो तो नो डाउट कोई इशू नहीं है, बेनिफिट आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो बाइक का कंफर्टेबल है वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा, और इन बाइक्स में क्या होता है कंफर्ट जोन बहुत अच्छा होता है इन बाइक्स में। और वहीं पर अगर देखा जाए तो इस बाइक की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या है, जैसे आप सेडलिंग वेल्डिंग करते हो तो वहाँ पर आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो सेडलिंग के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो इसकी जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको 1258 mm की हाइट इस बाइक में मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस तो नेक्स्ट लेवल है यार, कहीं भी चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी चलाओ नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी जो आपको मिलेगी वो 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, जो कि ऑफ रोडिंग बाइक्स के लिए बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि बाइक जो है अगर देखा जाए ना हल्की बाइक है थोड़ी, और इस बाइक में क्या जैसे अगर आप इस बाइक को उछालोगे मतलब वो सब करने के लिए भी यूज़ करोगे ना तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये जो बाइक है लगने वाली है।
बात कर ली जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2222 mm की लेंथ इस बाइक में मिलने वाली है। लेंथ के मामले में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है इस बाइक की। और वहीं पे व्हील बेस देखा जाए, देखो व्हील बेस में होता है ऑफ रोडिंग बाइक्स का मैंने देखा कि थोड़ा कम रहता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्हील बेस मिल रहा है, व्हील बेस बहुत अच्छा मिल रहा है। तो वो मिलेगा आपको 1410 mm का व्हील बेस इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा। देखो मैंने कहा था ना, जितना अच्छा व्हील बेस बाइक का होगा उतनी ही जो अच्छी है उतना ऑफ रोडिंग पे ग्रिप पकड़ के चलेगी, और यहाँ पे नो डाउट बहुत प्यारा व्हील बेस इस बाइक में मिल जाएगा। दोस्तों बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे वहीं पर, नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्यूबलेस टायर भी आपको साथ के इस बाइक में मिल जाएगा। बेनिफिट वाली बात की अगर बात करी जाए तो बेनिफिट आपको इसमें ये मिल जाएगा, जो अलॉय व्हील्स हैं आपको वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। देखो अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, दूसरा इसके अंदर आपको रेडियल टायर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर भी मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 21 inches का फ्रंट अलॉय व्हील का साइज़ मिल रहा है, और जो रियल है वो आपको 18 inches का मिल रहा है। इसमें बेनिफिट आपको सबसे बेहतरीन क्या मिल जाएगा कि जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा बड़ा है, तो उससे क्या एक तो आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, आपको जो बैकबोन की सीटिंग पोस्चर होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा आपका, मतलब कंफर्टेबल ही होकर लॉन्ग राइड आप बहुत प्यार से इस बाइक से कर सकते हो। और अगर टायर साइज़ की बात करें तो 90x90 का फ्रंट टायर है, जिसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, मतलब फ्रंट टायर में आपको इसके अंदर ABS मिलेगा। रियल में ABS नहीं है, यहाँ मैं चाह रहा था थोड़ा आ जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से अगर हम रियल में ABS नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑफ रोडिंग में हमें ABS की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें एकदम से ब्रेकिंग हार्ड ब्रेकिंग चाहिए होती है तो वहाँ हमें मिल जाएगी। फ्रंट रियल टायर साइज़ की बात करें जाए तो वो 120x81 आपको इसके अंदर रियल टायर मिलेगा, और 18 inches के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते थोड़े सस्पेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइक्स के लिए, और इसका तो खैर नेक्स्ट लेवल सस्पेंशन है। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे विद डुअल ड्यू बूश के साथ। उसमें क्या है, आपको सॉफ्टनेस तो बहुत ज़्यादा है, जब आप इस बाइक को टेस्ट राइड में लोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर मैं रियलिटी में, अगर आप इस बाइक को मतलब अगर आप लॉन्ग राइड के लिए भी नहीं लेते और आप सोचो चलो सिटी राइड के लिए भी इस बाइक को लो, आपको इतना मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाने में। ये जो लोग होते हैं ना प्राइवेट ब्रेकर बना देते एकदम ऊँचे ऊँचे, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, इतने प्यार से आपको ये जो बाइक है मसल लगने वाली है। रियल सस्पेंशन की बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको रियल में मोनोशॉक का सस्पेंशन मिल जाएंगे, जिसको आप 10 बार अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हो, 10 times एडजस्ट करवा सकते हो। ये चीज़ इसके अंदर इतनी प्यारी आपको अच्छी मिलेगी कि बस नेक्स्ट लेवल की चीज़ मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इस बाइक का इंजन। देखो इंजन पहले के मुकाबले में अपडेट करा गया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें रियलिटी में अपनी बताऊं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी कि पहले इसका इंजन क्या था और अब क्या है, क्योंकि इंजन ओ देखो चलो बताते बात कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 199.6 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड, इस बाइक के अंदर आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है, जो कि पहले हमें एयर कूल्ड मिलता था, लेकिन मैंने क्या बोला था कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो वो एयर कूल्ड इंजन था फिर भी बाइक ओवरहीटिंग नहीं करती थी, करती ही नहीं थी। अब ऑयल कूल्ड आ गया फिर भी बाइक ओवरहीट नहीं करेगी, लेकिन ये है कि हाँ बेनिफिट आपको पहले से ज़्यादा और अच्छा मिल गया, ये चीज़ आप इसके अंदर मान लो, वरना इसके अंदर कोई नहीं। क्योंकि हीरो का जो इंजन है, तुम लोगों ने भी कभी सुना होगा कि ओवरहीटिंग के इशू आ रहे कुछ आ रहा है ऐसा वैसा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अब जिस तरीके से 200 cc की जो बाइक्स आ रही है उनके अंदर क्या है कि यार ऑयल कूल्ड आ रहा, तो लोग भी वो ये चीज़ें थोड़ा देखते भी हैं। बात कर ली जाती है तो इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो मिलेगी 18.8 PS @8500 rpm पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 16.45 Nm @ ठीक है। तो मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकाल के 16.45 Nm @6500 rpm पर, और BS6 का आपको इस बाइक के अंदर इंजन मिल जाएगा। 66.5 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 57.5 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा, सिंगल सिलेंडर की बाइक होगी, ओ रिंग की चैन ड्राइव आपको इसके अंदर मिल जाएगी, टू वॉल मिल जाएगा, पेट्रोल आप इस बाइक में कोई भी डलवा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे मैं अपनी हर वीडियो में स्पीड का पेट्रोल डलवाऊंगा तो बाइक और भी ज़्यादा बेहतरीन निकल जाएगी, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ी सी इशू हो सकती है अगर आप इस बाइक में स्पीड का डलवाते। यार रिकॉर्ड हो गया 20 पर कट, किसी का कॉल आ गया तो यही दिक्कत हो जाती है, तभी मैं अपने दूसरे फ़ोन को भी करता हूँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, शायद मैंने ये चीज़ बता दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो पेट्रोल आप इसमें कोई भी डाल दो, शायद मैंने ये चीज़ बोली थी, हाँ पेट्रोल आप कोई भी डालो, वैसे अगर स्पीड का डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको माइलेज आपको थोड़ी अच्छी मिल जाएगी और इंजन स्मूथनेस रहेगी।
बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक का प्राइस क्या होने वाला है? तो यार अभी तक अगर मैं रियलिटी बोलूं प्राइस मेरे पास अभी आया नहीं है, लेकिन जहां तक दोस्तों मुझे ये चीजें लग रही है कि इस बाइक का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अराउंड 1.40 लाख के आसपास पहुंच सकती है जो बाइक है। देखो इतने में, इतने अमाउंट में भी अगर ये बाइक पहुंच जाती है ना तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका इतना अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो इस प्राइस रेंज पे आपको एक अच्छी खासी ऑफ रोडिंग मशीन मिल रही है, जो कि इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से क्या एक ही बाइक है। अगर आप चाहते हो ना कि करना और ऑफ रोडिंग करने के लिए एक बाइक चाहिए जो कि आप मतलब सीख भी सकते हो और लेके भी कर भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भाई आपको सीखने के बाद दूसरी परचेज करनी पड़ेगी, नहीं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और मुझे तो पर्सनली खैर वैसी पसंद है, ये बाइक तो काफ़ी ज़्यादा पसंद ही है। मैं तो खुद चाहता हूँ हीरो अपनी इम्पल्स को, ये एक्सपल्स है इम्पल्स जो पहले आती थी उसको दोबारा रीलॉन्च करते 150 cc सेगमेंट में, तो यार मज़ा आ रहा है इस बाइक में। तो दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो लिंक हमारे दिमाग मत खराब करके उम्र से तक दिमाग खराब करना है। मेरे को चैनल है राहुल वॉक्स टेन करके उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय।